जाऊं ये बाद में कर लेंगे, क्या करूं? What bite? Somebody has to ask me a question. आ जाऊंगा बाद में. मैं तो जागरण के साथ, जब से जागरण का ये फेस्टिवल शुरू हुआ है तब से इन्वॉल्व हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में जाता है फेस्टिवल, ऐसी फिल्में दिखाता है उनको जो वहाँ आमतौर पे जो नौजवान है ख़ास तौर पे वहाँ के देख नहीं पाते हैं, एक तरह के सिनेमा को देख पाते हैं, एक भव्य सा हमारा जो सिनेमा है बड़ा, जिसे आप बॉलीवुड कहते हो, मैं हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कहता हूँ, तो वो एक तरह का सिनेमा है जो होता है रिलीज़, लेकिन अलग तरह का भी सिनेमा है, दुनिया भर का सिनेमा है, सोचने के नज़रिए अलग हैं, आप दूसरे मुल्कों को भी जानते हैं उनके सिनेमा के ज़रिए, उनकी संस्कृति कल्चर के ज़रिए, तो बहुत अच्छा है ये जो काम है, ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं इन्वॉल्व हूँ. अवार्ड्स नाइट बहुत अच्छी होती है, एक क्लोजिंग सा होता है, पीठ थपथपाई जाती है, वो अच्छी बात है, मिले तो खुश हो, ना मिले तो निराश ना हो. नहीं मैं बता नहीं सकता ना, मैं जूरी में हूँ. बहुत अच्छी फेस्टिवल, ज़्यादातर फिल्में बहुत अच्छी, ये ईयर की फिल्में बहुत सारी बहुत अच्छी हैं यार. अब किसी एक का लूँगा तो हम तो दूसरे जो है नाराज़ होंगे, बट मैं पटाखा देखना चाहता हूँ. राजी अच्छी फिल्म थी, विलेज रॉकस्टार्स बहुत अच्छी फिल्म है, और बहुत अच्छी बात है कि उसको सराहा गया है. आज किसी कोई गया था पीवीआर में फिल्म देखने तो बोल रहा था फुल हाउस है विलेज रॉकस्टार्स का, तो एक बड़ी अच्छी बात है. आसामी एक छोटी सी फिल्म, दो मेंबर यूनिट, एक नौजवान लड़की, उसका एक सोचने का तरीका, उसने एक फिल्म बनाई, तो कितना कॉन्फिडेंस देता है वो लोगों को जो आज के नौजवान हैं. कहीं पे भी बैठ के आप फिल्म बना सकते हो अगर आप में कहानी सुनाने की कुव्वत है, तो बहुत अच्छी बात है. और बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी हैं. इनफैक्ट आजकल का सिनेमा, अभी एक फिल्म आने वाली है तुम्बाड़, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है. मैं उसका थोड़ा सा अंश देखा हुआ है और कमाल की फिल्म है. उसका जो फिल्म मेकर का जो विजुअल स्टाइल है, ऐसा स्टाइल मैंने बहुत कम देखा है. तो वो बहुत बड़ा फिल्म मेकर होने वाला है. आज मैं बोल रहा हूँ जो तुम्बाड़ जिसने बनाई है वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फिल्म मेकर होना. अब ये आप सब पकड़ के अब मुझे बोला जाएगा कि मैंने आज बोला नहीं, मतलब देखिए माहौल अगर ऐसा था तो उसके खिलाफ बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है या कोई हिचक नहीं है. मुझे औरतों के प्रति बॉलीवुड में या उसके बाहर जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो शर्मनाक है ना. तो आप बैंक में जाएं तो ये कंप्लेंट है, आप एकेडमिक्स में जाएं और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कैंपसेज में जाएं, रिसर्च स्कॉलर और टीचर का रिश्ते उसमें बहुत कहानियां आप सुनते हैं, तो ये जो एक मर्द जो है वो उसका कुछ एक हक सा होता है. मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पुलिस वाला लखनऊ में गोली मार देता है उसको भी तो एक सब्जर्वियंस की ज़रूरत है, उसको आदत है कि तो रोका क्यों नहीं, मैं गोली मार दी. तो ये भी एक नज़रिया है, सोचने का जो तरीका है, जिसको सब्जर्वियंस चाहिए, झुक मेरे सामने, मैं पावरफुल हूँ तुम मेरे सामने झुको. तो अब जो है वो हक मर्दों से छिन गया है, अब आप नहीं कर सकते, ये आप कतई नहीं कर सकते. और हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम अपनी सारी जो महिलाएं इस पेशे में, और अब तो बहुत हैं हर जगह, पहले तो चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एडिटर हो, चाहे साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, कैमरा में आएँ और औरतें आएँ, और उनको माहौल मिलना चाहिए जहाँ उनके ऊपर मतलब बतौर वो प्रोफेशनल देखी जाएँ और उनको वो माहौल मिले जहाँ वो सुरक्षित महसूस करें. ये बहुत ज़रूरी है और मुझे कोई इसमें बोलने में कोई बात सही है इसमें क्या बोलने में चाहिए.
आई एम अ गेस्ट, मैं मेहमान हूँ यहाँ पे, गेस्ट हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सी द कलर्स ऑफ द फंक्शन. और यहाँ की जो एक क्वालिटी जो फंक्शन हो रहा है, आई हैव कम टू सी दैट, बड़ा अच्छा लग रहा है. जागरण इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म और फॉर एवरी वन, एंड आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद देम. फॉर आई हैव डन मैनी कॉन्सर्ट्स फॉर देम. तो मैं यहाँ पर यहाँ की रौनक, यहाँ का उत्साह, यहाँ का एटमोसफियर देखने आया हूँ. एंड आई रियली थैंक्स टू देम, दे हैव थॉट ऑफ मी टू बी अ गेस्ट ओवर हियर. नहीं नहीं, जो हाथ में आता है पहन लेता हूँ मैं. और कलरफुल रहना अच्छा लगता है, बट आई ऑलवेज थिंक ऑफ कंटेंट फर्स्ट. पहले टैलेंट, म्यूज़िक के बारे में ही सोचता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक ही मेरी पर्सनैलिटी है. और जहाँ तक स्टाइलिंग करना, वो उसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहता मैं. ज़ीरो है, टग्स ऑफ हिंदुस्तान है. अभी परसों दोनों फिल्में रिलीज़ हुई हैं, पटाखा और सुई धागा, उसमें भी गाने हैं. तो आई एम रियली एक्साइटेड. उस गाने बहुत अच्छे हैं, हर फिल्म के गाने अच्छे हैं. सब ने बड़ी मेहनत से लिखे हैं, मेहनत से बनाए हैं. मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मैं जस्टिफाई कर सकूँ. मैंने उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट मेरे को लगता है सॉल्व हो जाना चाहिए. मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं, क्योंकि नाना इज़ आल्सो वेरी सेंसिबल पर्सन, ऐसी बात नहीं है. अगर उनकी तनुश्री दत्ता की भी कोई प्रॉब्लम है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व नाइसली, इट शुड बी. हाँ जी, प्रणाम प्रणाम. या मैं बल्कि अपने करियर में फर्स्ट टाइम मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ. आई विल बी आल्सो प्लेइंग गरबा ढिक्का टक्का ढिक्का टक्का, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल फेस्टिवल है, वेरी कलरफुल. आई मस्ट से इट्स अ डांसिंग फेस्टिवल आल्सो, बट इट हैज़ गॉट अ स्पिरिचुअल एलिमेंट. बड़ा अच्छा है. नवरात्रि की शुभकामनाएं तो देवी माँ से ही मिलती हैं. सबसे बड़ा आशीर्वाद तो देवी माँ से ही मिलता है. नवरात्रि की शुभकामनाएं हैं, और नाचो गाओ और नाचने दो. बी हैप्पी एंड लेट अदर्स आल्सो हैप्पी. थैंक यू वेरी मच. डन. I look at you, I look at them. All right. Yes. I've just come to attend as a guest. It is my very first 9th film festival of Jagran.
So very happy to be here. लोगों के कोशिश तो की जा रही है, जैसे जैसे हमारे बॉक्स ऑफिस नंबर्स दिखा रहे हैं तो बहुत ही दिलचस्प फिल्में आजकल दर्शकों को पसंद आ रही हैं। स्त्री पसंद आई, मुल्क पसंद आई, मैंने कुछ कुछ फिल्में जागरण फिल्म फेस्टिवल में भी देखी हैं, डायरेक्टर ओनी ने जिसने बनाई है, रीमा दास जो फिल्म बनाई है, तो ऑफ बीट सिनेमा को आज कमर्शियल सक्सेस मिल रहा है जो बहुत अच्छी बात है। कि आप निराश नहीं होंगे, टोटल धमाल आप सब दर्शकों को फुल कॉमेडी और फुल मसाला देगा। आई थिंक मेरे लिए ये फिल्म ही यादगार रहेगी क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ी फिल्म रही है मेरे करियर में, और मैं यही कहूँगी कि दिसंबर में रिलीज़ है तो आप सब लोग देखने जाइएगा। मेरा फेवरेट कलर पिंक है, तो मैं दर्शकों को यही कहूँगी कि अगर निहारिका स्टाइल में कुछ करना है तो अच्छे खासे लहंगा चोली पहनना पिंक कलर में। हाँ और वो तो है, करते ही है, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इवेंट। तो मैंने मुझे अब समझ में आ गया है, जब मैं गुजरात गई मैंने पूरा टूर किया, कि संजय लीला भंसाली का जो एक्चुअल इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आता है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान में डांडिया खेला जाता है, वाह, मतलब लोगों का कमाल है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल टू वॉच। मैं निहारिका रायजादा आप सब दर्शकों को बहुत सारी शुभकामना देना चाहूँगी इस साल 2018 के नवरात्रि में। थैंक यू। नमस्कार, बिल्कुल जागरण फिल्म फेस्टिवल जो है मेरे ख्याल से वो इंडिया का एकमात्र फिल्म फेस्टिवल ऐसा है जो सिनेमा गांव-गांव तक, छोटे शहरों तक पहुंचा रहा है, और मेरे ख्याल से ये फिल्म फेस्टिवल्स की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। हम गोवा नहीं जा सकते, सब लोग मुंबई नहीं आ सकते, लेकिन फिल्म फेस्टिवल या फिल्म वाले तो छोटे शहर में जा सकते हैं। तो प्रतिभा की भी फिल्म थी इसमें, मेरी भी फिल्म थी, मेरी दो फिल्में थी, इनकी भी एक फिल्म थी इसकी डायरेक्शन में, तो मुझे लगता है कि हमारा तो कमाल का एक्सपीरियंस रहा इसमें जागरण फिल्म फेस्टिवल में। थैंक यू। हम तो काफ़ी सालों से जागरण फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, हमारी दास कैपिटल भी फेस्टिवल में हो चुकी है, उस वक्त से हम लोग जागरण फेस्टिवल में हैं, तो एक बहुत ही नायाब एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस रहा है, और फेस्टिवल्स के मुकाबले तो मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से इसको ये लोग प्रमोट भी करते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं। नहीं, मुझे तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी फिल्में पसंद आई हैं, जैसे मुल्क ले लो, चाहे वो ये थी न्यूटन, कड़वी हवा, ये वाले सिनेमा, क्योंकि ये सिनेमा के दर्शक कम हैं, और जागरण फिल्म फेस्टिवल की एक खासियत है कि ऐसा सिनेमा, पंचलेट जैसा सिनेमा, करीम मोहम्मद जैसी फिल्में जागरण फेस्टिवल दिखा रहा है। अब हमें 100 करोड़ रुपए तो खर्च नहीं कर सकते ना, तो जागरण की ये खास बात है कि इनकी डॉक्यूमेंट्री जो कभी रिलीज़ नहीं होगी शायद, फेस्टिवल्स में ही जा रही है, अवार्ड जीत रही है,
और हमारी फिल्म करीम मोहम्मद को हॉल नहीं मिले, लेकिन जागरण ने दिखाया, कई जगहों पर दिखाया, पंचलाइट को दिखाया, तो मेरे ख्याल से यह उनकी कामयाबी है और बहुत अच्छा है। छोटी फिल्मों को अच्छा मौका मिलता है दुनिया के सामने जाने का, दुनिया देख पाती है उन सिनेमा को। थैंक यू सो मच। कैसे हैं? हाँ जी बहुत मुबारक है कि इस तरह का फेस्टिवल किया जा रहा है जो जो मैं समझता हूँ कि देश की जो धड़कने हैं वहाँ तक पहुँचता है और ऐसे शहरों तक पहुँचता है जहाँ पे यंगस्टर जो है इस तरह का सिनेमा देख करके अपने लिए तय कर पाएगा, कर पा रहा है और कर पाएगा आने वाले वक्त के लिए कि किस तरह का सिनेमा वो चाहता है कि बने और किस तरह का सिनेमा वो चाहता है कि देखे। जी आई थिंक बहुत ही अच्छा कदम है और मेरे हिसाब से अब सिर्फ एक तरह की फिल्में नहीं, अलग अलग तरह की फिल्में बन रही है, अलग अलग कहानियों पे बन रही है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है वो ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स की वजह से इसको और प्रोत्साहन मिलेगा। थोड़ी हैरानी है, थोड़ा सुख है, थोड़ा डर है। हैरानी इस बात की है कि किसी ने सोचा इस तरह से, सुख इस बात का है कि चलो जो काम किया 40 साल उसको रिकग्नाइज़ किया गया, और डर इस बात का है कि अभी तो बहुत सा काम करना है तो ये कहीं बहुत जल्दी तो नहीं है। परिवार बहुत खुश है, जाहिर सी बात है कि नए मेंबर की आमद हुई है अभी 3 हफ्ते पहले, तो उससे वी आर ऑल वेरी इलेटेड एंड हैप्पी। ये आप शाहिद से पूछिए और मैं समझता हूँ कि उनका करियर बुलंद है और आगे आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम भी करेंगे और लोगों को उनकी सलाहियत का एहसास भी होगा। मेरा ख़्याल है जो भी चीज़ गलत हुई हो किसी भी वक्त पे हुई हो उसके बारे में सर्च तो होनी चाहिए, उसके बारे में पता तो कर किया जाना चाहिए। और गलत काम को हमेशा हम बाकी में किसी पे कोई ये नहीं कह सकता कि ये सही है कि वो सही है, लेकिन उसके बारे में तफ्तीश तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। आइए सबको बहुत शुक्रिया। Yeah, definitely. This is the first time I'm taking part in such a film festival, and I'm really fortunate to be a part of the Dainik Jagran Film Festival. And I would thank the team for inviting me here, and I'm really glad and looking forward to take part in the event. Yeah. Yeah.
Yeah, my film Kashi, In Search of Ganga, is releasing on October 26th. I am paired opposite Sharman Joshi. So yeah, I'm really excited for the release. And down south, I've worked with a lot of great directors. And here, working with a new director and a new team was really a great experience for me. So I hope everyone will like the film and everyone should go, just go watch it. Yeah. Thank you so much. हाँ जी बोलिए. नमस्कार, कैसे हैं? बोलिए जी. बस आज की संध्या बहुत बढ़िया है. जागरण का ये हर साल ये उत्सव होता है. हाँ जी जी, वाला भी रख दो भाई, रख दे बोलना है तो. हाँ जी, तो आज की शाम जागरण की बहुत बढ़िया है और ये पूरे 10-12 शहरों से होते हुए बॉम्बे आए हैं. एंड मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ. और ये बड़ा अच्छा इनका हर बरस होता है एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी गुड फॉर द सिनेमा. हाँ जी, और कुछ? मुझे इस कैंपेन के बारे में एक्चुअली बोला, आई एम सॉरी, मुझे कोई इग्नोरेंस है, मुझे मालूम नहीं है. मैं क्या अपनी दुनिया में रहता हूँ, मुझे ज़्यादा दुनिया का पता नहीं है. जी हाँ, सुन रहा हूँ मैं, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. और जो राइट है वो होना चाहिए, न्याय सबको ही मिलना चाहिए. इसमें बिल्कुल सही बात है, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो सही होना चाहिए और गलत नहीं है तो. पर आजकल कुछ समझ नहीं आता कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है. बट जनरली लोग इस तरह से बोलते नहीं हैं तो मेरी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं. भाई नवरात्रि के इस नवरात्रि आ रही है और इसके लिए बहुत सारी सबको बधाइयां और सब बहुत आनंदित रहें. नवरात्रि आनंद का उत्सव है, सब आनंद मनाएं. मैं खुश हूँ, मेरी फिल्म मुक्काबाज इस बार इस फेस्टिवल में है, 9 जागरण फिल्म फेस्टिवल में. और मैं दिल्ली गया था और ये अपने आप में एक ख़ास बात है कि इस फेस्टिवल के माध्यम से छोटे शहरों में वो फिल्में जो नहीं पहुँच पाती हैं वो जब वहाँ के ऑडियंस के बीच में पहुँचती हैं और वो ऑडियंस जो कलाकारों को बड़े पर्दे पर देखती आई है, फिल्म देखने के बाद वो कलाकार उनके सामने होते हैं और उनके सवाल सीधे सीधे होते हैं और उनके जवाब उनको सीधे सीधे मिलते हैं. ये अनुभव एज एन एक्टर मेरे लिए अच्छा है और ऑडियंस ने जो मुझे बताया वो बहुत ही कमाल का अनुभव है उनका. बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हूँ, लेकिन भूख बहुत है. बहुत सारी चीज़ लेकिन धीरे धीरे खाना चाहता हूँ. अच्छा काम करना चाहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ. जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं उनको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ. थैंक यू वेरी मच.
जी बोलिए जी जी। तो मैं इधर देखूं चलेगा ना, आपका सवाल सुन लेता हूँ। सी, इस फेस्टिवल के लिए सबसे मैं सब इस बात के लिए जागरण फेस्टिवल को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इतनी सारी सिटीज़ में इन लोगों ने इस तरह की फिल्में पहुँचाई हैं जहाँ के लोगों को इस तरह की फिल्में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दौर ऐसा है जब फिल्म मेकर्स अलग अलग तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं लेकिन उनकी रीच उस ऑडियंस तक नहीं है। होता क्या है कि जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो वो जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तक सीमित रह जाती हैं, वहाँ के लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से जागरण इनको छोटे शहरों में भी ले गया है, बी सेंटर्स, सी सेंटर्स में भी ले गया है, वहाँ के लोग इस तरह की फिल्मों को जब अप्रिशिएट करते हैं तो उनकी सेंसिबिलिटी इस तरह के सिनेमा के प्रति बनती है, जो कि एक फिल्म मेकर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि जब वो नेक्स्ट टाइम फिल्म बनाएंगे और जब उनके शहर में इस तरह की फिल्म रिलीज़ होगी तो वो ज़रूर टिकट खर्च करके उसको देखने जाएंगे। तो जागरण फिल्म फेस्टिवल को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि वो पूरा देश घूम कर आए इस बार। थैंक यू। मतलब अच्छा लगता है, कुछ फिल्में जो हैं बड़ी मुश्किल से बनती हैं और जो फिल्में बहुत मुश्किल से बनती हैं और जब उनको सराहना मिलती है तो अच्छा लगता है, और मुझसे ज़्यादा मेरी टीम के लिए अच्छा लगता है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो अंदर जाके देखूंगा जो होगा। मैं आ जाता हूँ कभी कभी गुस्से में, तुम नहीं आते गुस्से में। Absolutely. I don't ask me that question. I'm still not over it. I can't get over it. वो तो एयरपोर्ट पे ऐसे सामने दिख गया, मैं हाथ मिला लिया तो कुछ नहीं, एक मिनट के लिए मैं कहा ये यहाँ क्या कर रहा है, बस ऑफिस था और मेरे सामने सामान लेके घूमा, वो सामने थे और मैं ऐसे हाथ पकड़ाया, उन्होंने हाथ मिला लिया, मैंने कहा बिग फैन, फिर वो चले गए। यार देखो, हम लोग जो है ना बहुत सालों से कंडीशनिंग रही है हमारी, बदलना ज़रूरी है, चीज़ों को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, अपनी गलतियाँ मानना ज़रूरी है। अब ठीक है, हम लोग एक तरह के रहे हैं, हमें सब आज ज़रूरी ये है कि हम सब अपने आप में देखें और अपनी लाइफ को पीछे जाके देखें, और मैं दूसरों को नहीं खुद को भी कहता हूँ कि हमने क्या क्या गलत किया, हमारी समझ कैसी रही है, हमें सबको अधिक बड़े होने की ज़रूरत हो गई है। फॉल्ट हम सबका है, पूरा सिस्टम का है, पूरा कंडीशनिंग का सबका, आपका भी उतना ही फॉल्ट है, जितना लोगों का उतना सबका फॉल्ट है। आई थिंक हम सबको एक साथ बैठ के अपने आप को देखने की ज़रूरत है और एड्रेस करने की ज़रूरत है, हम सबको, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। हाँ तो अब जो भी कहते हो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, अब अगर मैं जब बोल देता हूँ चीज़ें तो उसके जूते खाने पड़ते हैं तो खाता हूँ मैं। अब ठीक है, वैसे ऐसे ही है और कुछ नहीं है, अभी हेडलाइंस मत ढूंढ, चल बाय। जी सर, आज की शाम से एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है छोटा शब्द है, सिनेमा का जश्न है, और इस फेस्टिवल के बारे में जो आपने बहुत लोगों से सुना होगा, मैं भी कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात ये है कि ये उस जगह पहुँचा जहाँ लोग वंचित रह जाते थे हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ से, ख़ास तौर से छोटे शहर। मतलब इंडिया में ऐसे बहुत सारे शहर अभी भी हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम कि फिल्म फेस्टिवल क्या होता है। इक्का दुक्का शहरों में अभी नाट्य समारोह, थिएटर फेस्टिवल होते हैं, लेकिन फिल्म फेस्टिवल अभी भी बहुत सारे शहरों को पता नहीं है।
तो जागरण की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इसने छोटे शहरों को रीच किया और वहाँ के लोगों को नए तरह के सिनेमा से, जो कभी रिलीज़ भी नहीं हो पाता, वहाँ के सिनेमाघरों में नहीं लग पाता, वो सिनेमा से रूबरू कराया। तो इसके लिए मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये अपनी रीच और ज़्यादा बी सेंटर सी सेंटर वाले छोटे शहरों में भी बढ़ाए। मेरी शुभकामनाएं आज की शाम के लिए, जिनकी अच्छी फिल्में हैं उनको अवार्ड मिले और जिनकी फिल्में अच्छी नहीं हैं मेरी उनके लिए शुभकामनाएं कि वो आगे आने वाले समय में और अच्छी फिल्में बनाएं। थैंक यू। जी नहीं सर, अभी नहीं मिली, मिलनी बाकी है और मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, मैं बहुत ठहराव के साथ काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में आपको इस पेशेंस से, जो भी इतने दिन से सब्र से काम कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आप, मैं मतलब मेरे फिल्मों में गैप आता है, 2 साल का गैप भी आता है, 1.5 साल का गैप भी आता है, तो लेकिन जब आता है तो वो शिकायत दूर हो जाती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आने वाली फिल्म जो अभी है नक्काश, उसमें मुख्य भूमिका में पहली बार आ रहा हूँ, तो वो अभी उसका इंतज़ार है। वो आने के बाद जो आपकी शिकायत है कि गैप आता है, तो वो कम होगा और आगे कोशिश करूँगा कि थोड़ी ज़्यादा फिल्में करूँ और गैप कम रखूँ। तो लेकिन जो भी सिनेमा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ वो मीनिंगफुल सिनेमा हो, अच्छा सिनेमा हो, सार्थक सिनेमा हो और सिनेमा का जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करता हुआ सिनेमा हो। थैंक यू सो मच।